2019 खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों में 2020 आने वाला है, तो कहने का मतलब है कि 2019 और 2020 में खाली 19-20 का फर्क रह गया। मेरी इस स्मार्ट इंटेलेक्चुअल बात के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। अच्छा, नए साल पे इतनी ठंड परेशान नहीं करती जितना लोगों के मैसेजेस परेशान करते हैं। सीधा सीधा लिख दो फिर नया साल मुबारक को। अजीब गालिब बन जाते हैं, शायरी लिखना शुरू कर देते हैं। सोचा किसी अपने से बात करें, सोचा किसी अपने से बात करें, अपने किसी खास को याद करें। किया जो फैसला नए साल की शुभकामनाएं देने का, दिल ने कहा क्यों ना शुरुआत आपसे करें प्रमोद। नीचे लिखा रहता प्रमोद। अच्छा, भेजा अजय ने होता है लेकिन प्रमोद का फॉरवर्ड कर दिया। एडिट करने की भी जहमत नहीं उठाते ये लोग। कुछ लोग तो 31 को भेजना शुरू कर देते हैं, फिर वही शायरी, इससे पहले कि नेटवर्क जाम हो जाए, इससे पहले कि नेटवर्क जाम हो जाए, विश करने का सिलसिला आम हो जाए, आपको दिल से विश करने वालों में मेरा भी पहला नाम हो जाए, नए साल की अग्रिम बधाई। ये वही लोग होते हैं जिनकी वजह से नेटवर्क जाम होता है। अच्छा, मैसेजेस इतने आते, कई लोग तो पूरा पढ़ते भी नहीं है। अपने दिनेश के पास एक मैसेज आया कि इस गुजरे हुए साल के साथ, इसने लिख दिया आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि इस गुजरे हुए साल के साथ हमारे दादाजी चिरौंजी लाल जी भी गुजर गए। ये बधाइयां दे रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा नए साल पे ना टीवी पे एक प्रोग्राम आता है जिसमें वो राशिफल बताते हैं। हाँ। एक पंडित जी बैठे रहते हैं, पीछे सारे ग्रह चल रहे होते हैं। हाँ। चांद सितारे धरती ये वो। हाँ। वो हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं और एक वॉइस ओवर आता है, जानिए अपने सारे सवालों के जवाब पंडित जी से। अपना ये दिनेश पूछ रहा है पंडित जी से, ए पंडित जी अपना ये ड्राई डे वाले दिन दारू कहां से मिलेगी? पंडित जी यूं करके बैठे थे ना, उनके पास पानी का गिलास पड़ा हुआ था, उन्होंने पकड़ा, कहते यहां से मिलेगी, फिर बैठ गए। एक दिन पंडित जी ऐसे भविष्य बता रहे थे कि तुला राशि का भविष्य, इस साल तुला राशि की कुंडली में धन ही धन लिखा है। ये फोन लगा के पूछ रहा है, नहीं ये जो धन लिखा है कुंडली में, तो ये मतलब अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होगा? पंडित जी ने जो पहला ग्लास मारा था पानी का, उसमें आधा बचा हुआ था, उसने आधा उठाया, ये ले। इसका पंडित जी के साथ चलता रहता है। हाँ, अब तो वो खुद इतना डर गए ना कि वो जब भी आते हैं ना खुद, पहले वो टीवी जैसे ऑन होता है वो देखते हैं इधर उधर, ये तो नहीं बैठा हुआ। अगर ये सामने बैठा रहता है तो पंडित जी अपना हाथ टीवी से बाहर निकाल के इसका रिमोट उठा के ना खुद ही चैनल चेंज कर देते। मैंने भी पंडित जी से पूछा, मैंने कहा हमारे शो के बारे में कुछ बताइए, भविष्य में बताइए उसका कुछ। बोला तुम्हारे शो की कुंडली में ना सिंह राशि में गुरु आने वाला है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहते तुम बोल देना, समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा, नए साल में सबसे ज्यादा दुखी इंसान वो होता है जिसकी राशि तो कन्या होती है लेकिन उसकी जिंदगी में कोई कन्या नहीं होती। आपको तो पता ही होगा, ज्यादा डिस्कोज में जाओ तो आप ज्यादातर कपल एंट्री होती है, स्टैग एंट्री अलाउड नहीं होती। अगर सिंगल आदमी तो उसको 3,000 रुपया देना पड़ेगा कि दिनेश चला गया, इसने देखा कि 3,000 रुपया अकेले का देना पड़ेगा, इसने बाहर 20 रुपए भिखारन को दिया साथ में ले गया। प्रॉब्लम वहां आई जब ये तो नाचने लग गया किसी डिस्को में, जैसे म्यूजिक भिखारन शुरू हो गई। अच्छा, जो जोड़ियां कपल्स जो डिसाइड करते हैं ना न्यू ईयर इवनिंग वाले दिन ही डिसाइड करते हैं कि चलो बाहर चल के आते हैं, वो लोग फिर मोटरसाइकिल लेके गाड़ी लेके घूमते फिरते रहते हैं, कहीं एंट्री नहीं मिलती, और आप डिस्कोस के बाहर जाके देखो इतनी भीड़ रहती है। हाँ। ऐसा लगता है कि अगर डिस्को में नहीं गए हाँ। तो हमारा नया साल आएगा ही नहीं। जो लोग 8 बजे डांस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं उनको तो डांस करने का मौका मिल जाता है पूरा, लेकिन जो 11, 11:30, 12:15 जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है ना, सबके हाथ ऊपर यूं ही हो जाते हैं, क्योंकि आपके बगल में भी उसका भी हाथ खड़ा है, सब यूं यूं नाच रहे हैं, जो सर्विस करने आ रहा है बोतलें लेके वो भी यूं करके जा रहा है, पता नहीं चलता कौन डांस कर रहा है कौन वेटर है। एंजॉय। रास्ते में पुलिस की चेकिंग इतनी होती है, 15 बार तो आदमी को मुंह सुंघाना पड़ता है शीशों को, फिर आगे चल के। हाँ, कई बार तो ऐसा रहता है कोई भिखारी नॉक करते ना उसको भी बोलते थे, अच्छा चल हट।
हमारी न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, मैंने दिनेश को जाके बोला, मैंने कहा यार सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं, तू क्या लेगा? बोलता नहीं यार मैं ऑलरेडी रम ले रहा हूँ, मेरा मिक्स हो जाएगा देख लो। पता ही नहीं है रेजोल्यूशन होता क्या है। कई लोग बोलते हैं नए साल की शुरुआत अच्छे काम से करेंगे, फिर 12 बजते ही बोतल खोल देते हैं ये, अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा एक बात है, पीने के बाद ना लोग कई हम्बल बड़ा हो जाते हैं, है ना, शराबी जाके खंबे से टकरा रहे सॉरी माय अपोलॉजीज, आप सही जगह पे खड़े, खंबे से बातें कर रहे होते हैं, आप सही जगह पे खड़े, गलती मेरी थी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, दिखाई नहीं दे रहा होता, पता नहीं कौन सा। कई लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि नए साल में मैं आलस छोड़ दूंगा। ये वही लोग होते हैं जो सर्दियों में ना अंगीठी जला के अपना सुसु रोक के बैठे रहते हैं, ये बोल रहे होते हैं आलस छोड़ दूंगा। कई हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के लिए बोल रहे होते हैं कि इस साल रेजोल्यूशन ले, कसम खा तू मुझसे बिल्कुल लड़ेगी। बीवी भी आगे से बोलती है ठीक है मैं बिल्कुल लड़ूंगी, लेकिन तुम भी कसम खाओ दोस्तों के साथ दारू पीने नहीं जाओगे, मेरा फोन नहीं काटोगे, आधे आधे घंटे बाद मुझे फोन करोगे, बताओगे किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। बोला रहने दे तू लड़ दिया कर चल। ब्रो यार अर्चना जी, हमने भी न्यू ईयर पर एक रेजोल्यूशन लिया है। क्या रेजोल्यूशन लिया? अचार के साथ लिया कि दही के साथ लिया? आलू पराठा नहीं लिया है हमने, रेजोल्यूशन लिया है। तू रेजोल्यूशन ले बच्चा कि इस साल तू पेट के नीचे अपने जूतों का रंग बताएगा क्या है, बिना किसी की मदद लिए। इग्नोर अर्चना जी। हाँ जी। ये साल आप एक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लीजिए। क्या? कि 2020 में आप सिद्धू साहब को यहाँ वापस ला कर रहेंगे। सिद्धू साहब जो आपने फोन करके हमको बोला, हमने सामने सामने इनको बोल दिया, हमारा काम हो गया। अब जो मैं बोल रही हूँ वो भी बोल दो सिद्धू साहब को। अब बताइए। नो मीन नो। नो बोल रही है। के लाएंगे सिद्धू जी को? ये तो सोनी टीवी को फोन करके बोल रही है, उन्होंने जो पहले 25 एपिसोड किए उनमें से भी काट दो, ये बोल रही है। बच्चा तू तो बता तूने क्या रेजोल्यूशन लिया इस साल? हाँ। यार हमने रेजोल्यूशन लिया है कि हमारी जो साली है ना भूरी, हाँ। इस साल उसकी शादी करवा देंगे। ये तो फिर किसी से बदला लेने वाली बात हो गई ना। ये बात वैसे आपका गलत नहीं है, लेकिन हमें क्या नुकसान हो रहा है यार, बला जा रही है ना, आ तो नहीं रही है ना। ठीक है यार। थैंक यू। और इस बला का मुकाबला ये चंदू करेगा। और तूने बनियान बदल के इसको दे दी? ये सब क्या बला 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 बला। कपू शर्मा इस साल मैंने भी सोल्यूशन लिया है, तुम भूरी के साथ मैं शादी करके रहूंगा। अबे सोल्यूशन नहीं होता, रेजोल्यूशन होता है वो। तो सोल्यूशन को दो बार ले लो, रेजोल्यूशन बन जाता है। ले भाई बच्चा, तूने फैसला लिया कि तूने साली की शादी करनी है, इसने फैसला लिया कि इसने खुद की शादी करनी है, तुम दोनों का काम तो हो गया। अरे शुतुरमुर्ग से शादी करें, उससे अच्छा हम भूरी की शादी किसी गधे से करा देंगे यार। हेलो, क्यों किसी गधे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं बन जाता हूँ गधा, मैं सैक्रिफाइस कर देता हूँ, कैसी बातें कर रहे हो? और कपूर शर्मा, मेरी और भूरी की जोड़ी जचेगी भी बहुत। अच्छा। तू तो किसी चप्पल के साथ खड़ा जाओ, उसकी जोड़ी खराब कर देता तू। तेरी जोड़ी कहाँ से जचेगी भूरी के साथ? सही कह रहा है कपूर शर्मा, तुम्हारा जोड़ी ना सिग्नल पे जो कटोरा होता है ना उसके साथ सबसे अच्छी जुड़ती है। ये शादी करेगा भूरी से, है क्या तुम्हारे पास दोस्त? हौसला जवानी जवानी उम्मीदें हौसला। एक काम करो, अपने हौसले का घोंसला बनाओ और जाके खुद उसमें 4 अंडे दे दो, फिर उसमें जो चूजे निकलेंगे ना उनके साथ बहस करते रहना, क्योंकि हमारा टाइम तो बर्बाद करो मत अब तुम।
ओए बच्चे का कहने का मतलब ना तेरे पास घर है ना पैसे हैं, तू भूरी की देख रहे कैसे करेगा? देख रहे कि मैंने उसके साथ शादी करने की, उसको गोद में लेना है। और वैसे भी ये सब कुछ मेरा होने वाला है, इस साल मैं अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी मतलब तू सामने वाले फुटपाथ पे कब्जा करेगा? कपूर शर्मा इस आदमी का कुछ नहीं होना यार, नया साल आएगा चला जाएगा, ये कुछ नहीं बदलने वाला। कैसे नहीं बदलने वाला, आज मैंने कच्चा बदला है। कल मैंने बनियान बदलनी है, परसों मैंने पजामा बदल लेना है। कपूर शर्मा मुझे एक बात बताओ, वो जो तुमने न्यू ईयर पे लिया है वो जो वो क्या लिया है बताओ? वो मतलब क्या? वो जो मैंने पहले बोला था इंग्लिश में। हाँ तो बोलना क्या बोला था इंग्लिश में, तुम बताओ यार बच्चा क्या बोला था? नहीं नहीं आप खुद बोलो बोलो नहीं, क्या लिया है न्यू ईयर पर बोलो, नहीं अपने मुंह से बोलो। और कपूर शर्मा अगर ये नहीं बोल पाए ना तो इनके पजामे का नाड़ा खींच के आप इनके इंग्लिश दुनिया के सामने एक्सपोज कर देना। बोल चंदू बोल, आज तेरी खैर नहीं, चल बोल। अरे खैर तो इसकी वैसे भी नहीं, क्यों खैर तो अनुपम खैर की है। सॉरी माँ हेलो पहुंची, ऐसा जोक आया था निकल आया थोड़ा बाहर। खड़े हो जाओ यार, कोई बात नहीं। कपूर शर्मा हम भी एक्चुअली जानना चाहते हैं आपका क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैंने रेजोल्यूशन लिया कि मैं अपने शो से सारा कचरा साफ कर दूंगा। ओ कौन बुला रहा है यार मुझे बार बार? हेलो भागा भागा डर के भागा। मैंने कहा सारा कचरा साफ कर देना। तितली हमें बुला रही है, हम थोड़ा चलते हैं, आते आते थोड़ी देर। आ रहे आ रहे। ओके इनको भगाने का यही तरीका है, ये तो बार बार आके गेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा जी मैं अपने आज के मेहमानों को लेने जा रहा हूँ, आप भी थोड़ा तैयार हो क्या हो, घर वाले कपड़ों में बैठ गए हो आप। जोरदार तालियां एक बार नेहा कक्कड़ के लिए। मेरा बच्चा छोटा पटाखा बड़ा धमाका। ये कुर्सी हटाइए, आइए। एकदम शोर शराबा, एकदम साइलेंस हो जाता है। ये माइक ले लीजिए, करते रहो एंजॉय। हेलो नेहा की मम्मी। नेहा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे तो हमेशा से लगती हो। मैं बड़ा हैरान होता रहता हूँ देखते, कभी नेहा को देखता हूँ ना रियलिटी शोज में, इंडियन आइडल में बैठी जज, मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी हो गई नेहा। नेहा वेलकम। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। नेहा जब आप इंडियन आइडल में आई थी, हाँ जी, कंटेस्टेंट बन के, हाँ जी, आई थिंक 2006 की बात है, हाँ जी, तो आज मैं तब 17 साल की थी। ये बेटा बताने की जरूरत थी नहीं वैसे। अरे ओ लोगों को तो लगता है मैं अभी भी 17 साल की, मैंने गलत बता दिया। ओ नो। तो 2006 में नेहा इंडियन आइडल में आई थी एज ए कंटेस्टेंट, और आज उस शो की जज है। पहले तो इस बात के लिए तालियां। तो नेहा जिस दुकान में तुम राशन की लाइन में खड़ी रहती थी, आज उसी दुकान में गल्ले के ऊपर बैठी हो, कैसा लगता है? कैसा लगता है नेहा सीरियसली? मैं सच बताऊं भैया, मुझे अभी भी जब कंटेस्टेंट्स गा रहे होते हैं ना, और जब मैं उनके पास जाती हूं, माता रानी कसम, आई स्टिल फील दैट आई एम अ कंटेस्टेंट। मैं उन सबको उनके सबके बीच में आके बोलती हूं, तुम्हें पता है मुझे अभी भी लगता है कि मैं कंटेस्टेंट हूं। नेहा तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बच्ची हो, तुम्हें ना पता नहीं है, इंडियन आइडल वाले तुमसे ज्यादा काम करा रहे हैं। क्यों? शो का टाइम है 8 से 9:30, हां जी, तुम लोग 9:45 तक लगे रहते हो। तो बेटा 9:30 के बाद भी अगर आपको टीवी पे आने का शौक है तो हमारे शो पे आ जाओ। अरे आई वुड लव टू, क्योंकि यहाँ पे आप आ जाओ उसके बाद रात 2-3 बजे तक लगे रहो, कोई नहीं पूछता। फिर कोई नहीं पूछता। जैसे अर्चना जी आई थी एक ही एपिसोड के लिए आई थी। वैसे वैसे मैम आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू स्वीटहार्ट। अच्छा वैसे नेहा हर तरह के गाने तो गा ही लेती हैं, एक्टिंग में भी हर तरह की एक्सप्रेशंस देती हैं। आपने देखा होगा आपने इंडियन आइडल में हर तरीके का, अगर कोई गाना बहुत अच्छा लगता है बहुत खुश होती हैं, अगर कोई इमोशनल होता है तो रो भी देती हैं। अभी देखना है सारे एक्सप्रेशन दिखाएंगे नेहा, मैं एक एक करके एक्सप्रेशंस बताऊंगा आपको, आपको बोलने हैं। लाफ्टर, कम ऑन। ओह वाओ। एंगर, गुस्सा बहुत कम आता। ओके स्टेयर। Ooh.
Ignore. Oh! Surprise! Disgusting! देखा? देखा सर इतने सारे expressions देने के बाद इंडियन आइडल में जज बनी है। आप एक ही expression से 48 साल से चल रही हैं। अच्छा मैंने सुना है इंडिया में ना 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें इंस्टाग्राम ने कोई ट्रॉफी दी है। मुझे तो पता नहीं है नेहा क्या है ये आपको भी इंस्टाग्राम ने ट्रॉफी दी है ना? हाँ जी एक्चुअली हाँ मैम आई एम द मोस्ट फॉलोड इंडियन सिंगर और इंडियन म्यूजिशियन ऑन इंस्टाग्राम यस और आई थिंक इंडिया में 5 ही लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम ट्रॉफी मिली है और उनमें से कुछ सुपरस्टार्स हैं और उनमें से एक छोटी सी सुपरस्टार नेहा कक्कर भी है ऑसम बाकी 4 कौन है कोई आइडिया शायद रणवीर सिंह हो सकते हैं क्योंकि हम दोनों के अभी बिल्कुल सेम फॉलोअर्स चल रहे हैं आई थिंक उनके में से 1,00,000 कम है आई थिंक राइट नाउ वाह पर मेरे को बहुत खुशी हुई ये बात जान के बड़ा आया दीपिका शादी करने वाला क्या बात But I love Ranveer Singh and Deepika Padukone. I love them both. They're so cute together, na? Absolutely, yeah. So cute. मतलब मुझे लगता है बिल्कुल perfect जोड़ी है. और वो match जो है ना उनके साथ ही अच्छा लगता है. Ranveer Singh के साथ ही अच्छा लगता है. और मेरे भैया के साथ अच्छा लगता है. नेहा तुम यार रणवीर दीपिका की प्रमोशन करते हैं मैंने बोला कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ भी अच्छी लगती है और मेरे भैया के साथ भी अच्छी लगती है नेहा का भी एक सिंगल आया हाल ही में याद पिया की आने लगी हाँ जी नेहा आप सिंगल हैं इसलिए सिंगल निकाल रही हैं शादी के बाद डबल निकालेंगी आई मीन पूरे 8 गानों की एल्बम कब आएगी एल्बम आजकल एक्चुअली जो जमाना है ना वो सिंगल्स का जमाना है और टचवुड में जो भी गाने करती हूँ माता रानी की कृपा से सब हिट हो जाते हैं आप लोग प्यार ही इतना ज्यादा देते हैं तो मैंने ऐसे सोचा नहीं कि एल्बम करना है कि सिंगल करना है बट मैं बस करती जाती हूँ पर नेहा जब आप फिल्मों में भी गाते हो हाँ जी तो आप अपने सिंगल्स भी निकालते हो आपको ज्यादा मजा किसमें आता है देखो फिल्म का अपना अलग मजा है क्योंकि जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं वो आपके लिए गाते हैं वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है बट जब मैं गाना गाती हूँ एक बात बताती हूँ मैं आज तक मेरे जितनी शॉर्ट हीरोइन कोई हुई नहीं है और मैं अपने वीडियोज में हीरोइन होती हूँ एंड पीपल लव मी अर्चना जी मैं बताऊं ये पूरी फैमिली है ना बड़ी सुरीली है टैलेंटेड अभी तो आपने कक्कड़ फैमिली का एक ही कक्कड़ देखा है अब वक्त है कक्कड़ फैमिली से दो और कलाकार को यहाँ बुलाने का जोरदार तालियां सोनू कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के लिए पहले ऐसा लगता था कि कब हम किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाएंगे दीदी और मैं जब बचपन से यू नो हमारा सपना था कोई म्यूजिक डायरेक्टर गवाए कोई लिरिसिस्ट गवाए हमें और वो सपना तो उसको तो साइड में रखो ये हमारे घर में पता नहीं था कि हमारे टोनी भाई इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर इतने अच्छे लिरिसिस्ट बनेंगे मिले हो तुम हमको जैसे ये गाने बनाते हैं आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मैं नेहा की मम्मी से पूछने जाता हूँ टोनी ने ठीक नहीं गाया क्या आप रो क्यों रही थी मैं कह रही हूँ मामा माइक माता ने मुझे मतलब किसी को एक चांद मिलता है मुझे सारे चांद इकट्ठे दे मैं ना देख रहा था कक्कड़ साहब नेहा के पापा जब एक एक करके बच्चों की एंट्री हो रही थी ना तो एक आया दो आया थी खुशी के मारे ये था कि चलो मेरे तीनों प्रोडक्ट अच्छे निकले और सुपर डुपर हिट क्या बात है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे जोरदार तालियां एक बार नेहा सोनू और टोनी के लिए आइए विराजमान हो जाइए ढेर सारी बातें करेंगे आज अच्छा मेरा एक आप तीनों से सवाल है आप तीनों इतने सुरीले हैं तो जैसे बच्चों को बचपन में टीके लगते हैं आपको भी लगे थे कि हारमोनियम तबला लगा अर्चना जी बोल रही थी कि तीनों भाई बहन इतना मीठा गाते हैं ये कक्कड़ फैमिली से कि शक्कर फैमिली से अर्चना जी खुद इतनी ज्यादा स्वीट है ना हाँ, तो शायद इनको सभी मीठे कपिल को दोबारा बोल ये सुनता नहीं मेरे गाने नहीं मैं तो बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ आप जितना मैंने देखा है मैं एक्चुअली कपिल शर्मा शो की बहुत बड़ी फैन हूँ और जब भी ये शो आ रहा होता है जब भी ये शो आ रहा होता है मुझे तो मतलब आई हैव टू वॉच इट क्योंकि आप कैसे करते हैं मुझे नहीं समझ आता इट इज सो ब्यूटीफुल हंस हंस के पेट में दर्द होता है प्यार है लोगों का
टोनी और नेहा ने अभी हाल ही में पति पत्नी और वो में गाना गाया धीमे धीमे, सुपर डुपर हिट हो गया, इसके लिए जोरदार तालियां। सोनू जी, लड़कों का नाम भी सोनू होता है, अभी ऐसा कोई हुआ नहीं कोई आपसे मिलने आया हो, उन्होंने सोचा हो कि हमारी सोनू से मीटिंग है और सामने आया तो लड़की देख के खुश हो गया, वाह इतनी खूबसूरत लड़की। एक्चुअली मुझे ये बात कई बार फील होती है, मम्मा इतनी ज्यादा, मम्मी पापा दोनों ने इतने प्यार से लड़की होना एक्सेप्ट किया और इतनी खुशियां मनाई, मेरा बर्थडे इस तरह से मनाया, तो वो लड़की तो मानते ही नहीं थे, मुझे लड़का ही की तरह रखते थे, उस वजह से शायद ये नाम। आई रिमेम्बर पटाखे जलाए थे जी, मॉम डैड ने आपके होने पे पटाखे जलाए थे। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि मम्मी पापा ने बचपन में जब पटाखे जलाए तो ये नहीं सोचा होगा बड़े होके खुद पटाखा बन जाएगा। टोनी, आपके गानों पे मतलब YouTube में जी सर तकरीबन इस साल के जो आए जी मोर देन 300 मिलियन व्यू हो गए ना जी सर इस साल, थैंकफुली मैं सबसे पहला इंडियन आर्टिस्ट बना जिसके दो गाने 300 मिलियन के पार गए इन 2019। यस, तो इतने 100 मिलियन व्यू हो गए आपके, तो सुबह जब आप उठते हैं आप तो बालों को स्पाइक करने के लिए जेल लगाते हैं कि एटीट्यूड में वैसे खड़े हो जाते कि मेरे तो इतने 100 मिलियन व्यूज हो गए? नहीं सर, फिर से प्रेशर तो यही रहता है कि अब नया गाना बनाना है और फिर से सक्सेसफुल होना है, या प्रेशर ही बढ़ता है इनफैक्ट, क्योंकि अभी तो शुरू किया है, मुझे लगता है अभी से लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं तो आगे भी सब अच्छा ही होगा। अच्छा, फिल्मों में ना जब सोनू ने गाना गाया पहला बाबूजी जरा हाँ। धीरे चलो कितना पॉपुलर हुआ, उसके बाद अभी इन दोनों ने गाया टोनी और नेहा ने धीमे धीमे करके, तो ये आपकी फैमिली की स्ट्रेटजी है क्या? कि बाबूजी जरा धीरे चलो धीमे धीमे, कि धीमे धीमे गा के फास्ट फास्ट पैसे कमा रहे हो, ये इनका सवाल था मेरा नहीं। टोनी और नेहा काफी सारे गाने आने, तो सोनू आप इनको कहती नहीं कि राखी और मिठाई तो मैं भी अच्छी लाती हूँ, सारे गाने नेहा को क्यों दे रहा है? कुछ तो भेदभाव हो रहा है मुझे लग रहा है, अब मैं नाराज हो गई। और जाओ शादी करके दूसरे घर, ये तीसरी खिचड़ी पका रहे। लेकिन सबसे छोटी को सबसे ज्यादा प्यार भी तो मिलता है ना बेटा, सारा प्यार ले गई तू तो दुनिया का। Exactly, इसे तो हर समय इतना प्यार चाहिए कि गानों से भी चाहिए, लोगों से भी चाहिए, बस मैं ही पीछे रह जाऊंगा ना। मुझे लगता है कि अब इस साल से मैं और ज्यादा गाने बनाऊंगा और दीदी के साथ डेफिनेटली कुछ, जरूरी नहीं बहनों के लिए, मुझे भी भाई समझो आप। Correct. आप अगर यस बोलेंगे तो आई वुड लव टू बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। मजा आएगा करने में। मेरा नाम भी टोनी है घर का, तो मेरे अरे वाह वाह मजा आएगा। अच्छा, हमारे घरों में एक ट्रेंड होता है ना कि अगर बच्चा बड़ा वाला जो बच्चा है सबसे पहला बच्चा वो जब बड़ा हो जाता है उसके कपड़े छोटे को पहना देते हैं। हाँ। तो सोनू सबसे बड़ी है, आपको कभी फ्रॉक पहननी पड़ी है? होता ही पहनी होती नहीं, पता नहीं आप जब बचपन में उन्होंने पहना दी होगी, आप बच्चे को क्या पता चलेगा अगर बचपन में मम्मी ने पहना दी पहनाई है, पहनाई है, पहनाई है, टोइया टोइया बोलती थी मम्मी, टोइया बोलती थी पहले, अभी इसको पहले टोइया बोलती थी, अब टोटे बोलती है। अरे ऐसे डांस टोनी सीधा सा नाम याद नहीं होता आपको? मैं प्यार में टोटे बोलती हूँ, प्यार नेहू को नेहा को नेहू और सोनू को सोना। हस्बैंड को इनको राजा राजा राजा। पापा क्या ताली बजा रहे हैं। राजा शर्मा गए गंडी ना खिड़का राजा सीधा शूटिंग आजा राजा। नेहा कुछ बोल रही थी कि वो ऐसे डांस करता था, कैसे डांस करता था जब छोटा था? मैं बताती हूँ कैसे करता था, बता दूँ? हाँ। फ्रॉक पहन कैसे करता था, आ गया आ गया हलवे वाला आ गया। पर एक बात ले मैं बताई दूँ कि हमारे घर की सबसे बड़ी जो ड्रामा क्वीन है वो है हमारे बाजू में बैठी है वन एंड ओनली नेहा। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि अभी क्या हुआ होगा। गैल ब्लडर हिला दिया तूने पूरा। और मैं मर गई। अच्छा, और मेरा टोनू
की नोनू आई है। मेरे नोनू सोनू की टो मेरे से नहीं होता। आई मेरे बच्चे नेहू, कैसा मेरा बच्चा बहुत अच्छी और मेरी सोनू। आ मैं टोने आजा बुआ के पैर हाथ लगा ले। आजा 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 आए नी आए मेरा बच्चा आए टोनू नोनू सोनू आए। अर्चना जी आए रब के रंग देखो। अंदर बैठे टीवी पे रणवीर सिंह का ततर ततर देख रही थी, बाहर आई तो ककड़ ककड़ हुआ। सच्ची कहती हूँ बहन जी, रणवीर सिंह ने इतना ततर ततर नहीं किया टीवी पे जितना इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री पे ककड़ ककड़ कर दिया। वैसे हर दूसरा गाना ये लोग गा रहे बड़े छुपे रिश्ता वो है नोनू सोनू नहीं मेरा टोनू। बुआ तेरे को कितनी बार कहा सही नाम लिया कर। मैं बुआ हूँ पूशर कुमार थोड़ी जो एल्बम पे मेरा नाम चाहिए। आए नहीं मेरा नोनू सोनू इतने इतने होते थे इतने इतने ऐसे ऐसे बुआ के हाथ में खेलते थे। वी, वी। बुआ ने सब कुछ देखा मजा ही आ जाता था। हर बच्चा तेरे हाथ में खेला है। हाँ तो पुत्र बच्चे हाथ में ही खेलते हैं। इतने इतने होते हैं फुटबॉल थोड़ी खेलने निकल जाते हैं। आए सच्ची कहो यार मतलब मजा आ जाता था। अब बीच में ना बोलना अब बीच में बोल देते हो। मुझे मेरी लेडी मीका से बात करने दो। लेडी मीका कौन? मेरा नेहा कक्कड़ मेरा नोनू मेरा नोना मेरी नेहू। सच्ची कहूँ म्यूजिक डायरेक्टरों के ना दिमाग में इतनी कॉम्पोजिशन नहीं आती जितनी पहले मीका और नेहा आ जाते हैं। सच्ची कहती हूँ बहन जी इंडिया में पंडित के बिना शादी हो सकती है हाँ। लेकिन नेहा के गानों के बिना नहीं। इधर आ। सोनी टीवी से खुश नहीं ना तू? क्यों मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर हर एपिसोड में रोती क्यों रहती है? है पुत्र इतना नहीं रोना है मेरा कलेजा फट जाता है इतना रोती है। बचा के रख पिताई के लिए आती है ना कि पिताई में तेरी हंसी निकल जाए। तो फालतू में थोड़ी रोती है कोई इमोशनल गाना सुन के आंसू निकल जाते हैं। और क्या है? हाँ जा अभी बुआ मेरे को बात करने दे जा। ऐसे कैसे जाऊँ यार मेरे बच्चे आए हैं कितने देर बाद मिली है। बुआ के हाथ के आलू के पराठे खाने खाने फिर आलू छिल के दो। लो 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 फटाफट आलू छील दो बुआ ने 15 मिनट में बन चुके हैं पराठे बना देने। नहीं कर तो वापस उनको आलू नहीं खाने उन्होंने पराठे। क्यों नहीं खाने पराठे? है सोनू का हाल देख हड्डियां देख उसकी कितनी पतली हो गई है। सच्ची में नहीं खाती सच्ची में नहीं खाती। पति किधर है? प्रोड्यूसर बना फिरता घर की प्रोडक्शन खराब हो रही है। तेरा गाना देखा था मैंने धीमे तूने बनाया ना जी जी। आए अर्चना जी गानों में धीमे वैसे बड़ा तेज है। इतना सा होता था दिल्ली में छतों पे चढ़ जाता था गुड़िया उड़ाने ऐसे पतंगे उड़ाता था। पूरे मोहल्ले की लड़कियां वेट करती थी कब टोनी की पतंग कटे और वो पतंग उसकी लूटे। वैसे ना मैं बड़ी टेंशन में हूँ क्या हो गया। चलो तुम तो मतलब इसकी शादी हो गई है मैं तो नेहा के हाथ पीले करने तुम तो कोई बिजली की तार ढूंढ ही नहीं आई थी पिछले हफ्ते तुम्हारी बिजली की तार। इसने तार फड़ ली। देखा मैंने फोटो पे उर्वशी उर्वशी मेरे को बड़ी फिक्र है। और मैंने ना लड़का देख भी लिया है नेहू के लिए। ओए होए होए अच्छा बहन जी क्या लड़का है। अच्छा? मेरे को पसंद है मैं कल ही उसके साथ डेट पे गई थी। कौन? पहले को आप डेट पे गई थी लड़का नेहा के लिए देखा तू क्यों गई डेट पे? अरे कोर्ट की डेट पे वकील है। लड़का वकील है बेटी हमारी जज है तुम्हारा क्यों? सोनू मैंने सोच लिया हुआ पूरी मैंने शादी मैंने अपनी आंखों में बना ली हुई है कि शादी कैसे होनी है। मेरी नेहू की शादी ना अर्चना जी इंडियन आइडल स्टाइल में होगी। इंडियन आइडल स्टाइल मतलब कैसे? मतलब कि दूल्हे की ना वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएंगे। बुआ तू कैसी बातें कर रही है शादी में कैसे होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री? क्यों तेरे शो में इनकी हो सकती तो इनके शो में हो सकती वाइल्ड कार्ड एंट्री। देखो जी मैंने सारा सोच लिया हुआ कि करना क्या। मतलब
दूल्हा ना एकदम घोड़ी पे बैठ के सज तज के स्टेज पे आएगा। लड़का मतलब घोड़ी पे बैठ के क्यों आएगा स्टेज पे? अच्छा घोड़ी नहीं आ सकती तो चलो वो एंकर आदित्य नारायण उसके ऊपर चढ़ के आ जाएगा। जैसे लड़का स्टेज पे पहुंचा वो बैठे होते ना आपके साथ अनुपम खैर, क्या नाम है उनका? अनु मलिक नहीं, वो अनुपम खैर जिनके बाल नहीं है, नहीं, विशाल, नहीं। विशाल विशाल डंडा नहीं, वो बैठे होंगे, वो लड़के को कहेंगे कि देखो जी लड़की हमारी जज है, उसके पास सुर है, ताल है, इमोशन है, तुम्हारे पास क्या है? लड़का जेब से टिश्यू पेपर का बॉक्स निकालेगा, कहेगा मेरा टिश्यू पेपर का काम है। लड़का ने पसंद आ जाना अर्चना बहन जी, नेहा ने टिश्यू पेपर पकड़ना, आंसू पोंछने और हंसते हुए कहना आप बॉम्बे आ सकते हैं। सच्ची सबने तालियां बजानी है और कह देना कि आपने तो मौसम ही बना दिया, होगी शादी। और अगर नेहा को लड़का पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? बजर बजा दो, रिजेक्ट कर दो, मेरी नेहा की कमी है लड़कों की है। चलो हो गया तेरा। ले तीनों भाई बहनों छिला ही नहीं कुछ, कोई नहीं मैं छील दूंगी आलू वाले पराठे, अब देखते हैं बनाने की नहीं बनाने। पराठे तो बना के खिलाओ उनको, आलू छिला। शादी की भी तो तैयारियां करनी है ना, पराठे मैं सारा काम करूंगा। पराठे लेकिन आप सबको मैं ना इनवाइट कर देती हूँ मेरी नेहू की शादी में, आप सब ने आना है, चाहे वजीर हो या राजा, कुंडी खड़काए भी ना आ, कुंडी खड़काए भी नाचना, बाकी ओए ओए वो कप्पू कर देगा। अच्छा नेहा लहंगा कौन से रंग का? बुत आई राम नहीं, लहंगा कौन से रंग का बनवाऊ? आप जो बोलोगे वो लाल रंग का। अच्छा तू मेरी नीरज से बात कराई, लड़की देखो सुकड़ी करती है बारी। जरूर कराऊंगी। आ मेरा पुत्र चल पाया बिजली के तार है। चलो आप तीनों बचपन में कितना टाइम स्पेंड किया आप सबने एक साथ पले बड़े हो, तीनों की कोई एक एक बात जो आज तक किसी को नहीं पता, पोल खोल दो आज। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली क्योंकि घर पे जाके मेरे को ही मार पड़ने वाली है। हाँ, जैसे तो मैं बॉस तो नहीं बोल ना, नहीं तो ओहो मार पड़ने वाली है। दीदी आप लोग मारते नहीं हो बट डांट तो देते ही हो। नहीं, नहीं। अच्छा बट एक बात पक्की है क्योंकि दोनों मुझसे बड़े हैं, जब भी मेरे को डांटते हैं मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला, मैं ऐसे बैठ के सुनती हूँ। रियली? हमेशा। Oh, sweet. हमेशा। Yes. Wow. बचपन से साथ कैसे रहे हैं हम, जब ऋषिकेश में थे पापा के पास स्कूटर था और हम पीछे मम्मी और मम्मी की गोद में मैं और टोनी और दीदी बीच में बैठते थे। इतने लोग चलान नहीं हुआ कभी। पहले तो हेलमेट भी नहीं भी होता था। तो वहां से फिर हम ऋषिकेश से फिर हम दिल्ली आए और फिर दिल्ली में फिर थोड़े टाइम तक हम रिक्शा में या स्कूटर में जाके जागरण करते थे और दिल्ली की ठंड तो बहुत ही ठंड होती है उसमें और हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, हमारे लिए तो और डिफिकल्ट होता है, पूरी रात रात जाग के ये होता था। फिर हमने वैन ले ली है। So फिर हमने वैन ले ली। तो वैन में मैम पीछे वो जो स्पेस नहीं होता बहुत सारा, तो उसमें मम्मी पापा क्या करते थे, गद्दे लगा देते थे क्योंकि पूरी रात जागना होता था ना, तो हम उसमें लेट जाते थे क्योंकि इतने छोटे छोटे से थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे फिर दूसरी ऐसे पीछे डिक्की में लेट जाते। पर इतना अच्छा लगता ना कि आज हमारे जो गेस्ट आए हैं उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है और जो हमारी सामने सेलिब्रिटी जज है इन्होंने भी इतनी, ये रामलीला में रावण बनती थी। ओ नहीं मतलब मैंने कही मारो मारो मैम मारो। ओ रावण। हाँ तो सोनू की पोल किसी ने नहीं खोली। हाँ। उसने तारीफ कर दी इतनी ज्यादा, हम तो इमोशनल हो चुके। चलो अभी क्या कि बड़े हो गए ना, स्टार हो गए, बचपन में थोड़ी ना ऐसे करते होंगे। नहीं नहीं बचपन में बहुत डरते थे, बचपन में बहुत डरते थे। सोनू दीदी नहीं है क्योंकि सोनू दीदी मुझसे काफी बड़ी हैं, पर टोनी और मैं बचपन में बहुत डरते थे। मैं नेहा मुझ पे भारी पड़ती थी बचपन में। बचपन में तो बहुत डरते थे, दुनाई लगाती थी। एक बार मुझे याद है जो लड़ाई हुई थी इन दोनों की, किसी चीज पे तो बहस हो गई थी और नेहा ने जो पेन उठाया ये था के अंदर एक्चुअली बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, उतनी समझ नहीं थी मुझे। मैं बहुत चिढ़ाता था इसको। मैम आपको पता ना भाई कितने कमीने होते थे, चिढ़ाते हैं बहुत चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाता था मेरे को, इतना चिढ़ाता था और मैं बच्ची थी मेरे को समझ नहीं थी, मैं भी चिढ़ जाती थी तो चिढ़ के फिर सीधा पेन था के अंदर, अभी तो उसकी जीन फटी हुई अभी तक। चलो कन्फेशन की बात चलिए पोल खोलने की, तो हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम लोग छुपा के रखते हैं, आज मौका है आज कन्फेस कर दो जो भी आपका
मन है बोलने का। मजा आएगा। जी भाई साहब। विश्वजीत नाम है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हुआ। बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत आपका। एक्चुअली मैं अपना खुद का एक पोल खोलना चाहता हूँ। उसका ही बोला हमने। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे चेस्ट पे हेयर्स नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल में सबके थे तो सब मुझे चिढ़ाते थे। तो आप लोग एक दूसरे की छाती देखते रहते थे। ये तेरे है? ऐसे कौन करता है? मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे एक एडवाइस दी कि अगर तुम हेयर रिमूवर यूज करो तो चेस्ट पे बाल आ जाएंगे। तो मैंने वो किया। बट फैमिली के डर से मैं उसे एक फेयरनेस क्रीम के डब्बे में उसको रखता था। मैं घर पे डांटना पड़े मुझे। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद घर में एक छोटी सी पार्टी थी दोस्तों की, सब आए हुए थे। तो कोई बाइक से आया था, कोई कार से आया था। तो जो बाइक से आया था उसको डस्ट लग गया था चेहरे पे, तो वॉश करने चला गया। वाह वाह वाह। उसे लगा कि फेयरनेस क्रीम है, उसने उसको यूज कर। तो उसके मुंह की तो छाती बन गई होगी, पता नहीं क्या बन गया होगा। थोड़ी देर बाद उसे जलन सी फील हुई फेस पे। हाँ। तो उस फेस वॉश करने दोबारा चला गया और उसके सारे बाल निकल गए, द आईब्रोज एंड ऑल। तो आज मैं वो कन्फेस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली भाई वो हेयर रिमूवर क्रीम था जो तूने यूज किया था। ये बहुत बढ़िया किस्सा है यार। थैंक यू विश्वजीत जी। थैंक यू सर। मुझे और भी जानना है, और भी सुनना है, और भी कौन बोल रहा है। थैंक यू विश्वजीत जी, बहुत मजा। और कोई हमारे दोस्त? जी हाय कपिल सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरवी भोजक है। अरे राग भैरवी वाला। हाँ। नाम है। तो मैं अपनी नहीं अपनी मॉम की पोल खोलना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या? तो मैं मम्मी साथ आई है? नहीं। अच्छा, तभी पोल खोल रही है। चलो खोल दो, खोल दो। हाँ। तो मैं छोटी थी तब मैं और मेरा भाई बहुत झगड़ते थे। अच्छा। तो एक दिन दोपहर को माँ सो रही थी और शोर शराबा बढ़ गया, तो माँ गुस्से में आई और ऐसा देखा और हम दोनों पे ऐसे बैग फेंका, और हम बैग फेंका तो पीछे ग्लास था उस पे लग गया और टूटने की आवाज आई। तो पापा गुस्से से बाहर आए और बाहर आके बोलते किसने किया, तो मेरी मॉम ऐसे घबरा के उसने हमें पॉइंट कर दिया कि इन दोनों ने किया। छोटे बच्चे कुछ यूज कर लेते हैं, इन दोनों ने किया। तो हमने ऐसा उसके साइड देखा तो आंखें निकाली, कुछ इशारा इशारा किया, तो हमने मान लिया। हाँ माँ, हमने किया पापा, हमने किया। तो आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पापा वो हम नहीं थे। शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो अपना पोल खोलना चाहते हैं? जी सर। मैं अशोक श्रीवास्तव दूर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरी शादी को बहुत जल्दी से 34 साल हो गए सर। एक बात, आपकी शादी को 34 साल हुए, आए आप छत्तीसगढ़ से। तो सर ये जो छत्तीसगढ़ है उसके पहले कोई 35गढ़ भी आता है? उसके बाद 37गढ़? ऐसा कुछ नहीं है, 34 और 36 के बीच का खेल है ये। अच्छा जी। तो मैं आज अपनी ही पे एक पोल खोलना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा जी। इस 34 साल तक मैंने एक राज अपने मन में छुपा के रखा था। आपकी वाइफ साथ आई है? हाँ जी आई है। कहाँ है? ये बगल में। अरे वाह। नमस्ते जी। कितनी प्यारी है आपकी वाइफ। पता चला आपके 34 साल इतनी जल्दी कैसे निकल गए? जी राज ये था, है माने अभी तक है। जी राज ये है कि स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ की बात है। जी एक लड़की से अफेयर था मेरा। फिर क्या हुआ? तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? मैं को ये जान खुशी होती कि हमारे से पहली जनरेशन भी ऐसी थी। मतलब हम कोई अकेले नहीं है। अच्छा तो फिर क्या हुआ श्रीवास्तव साहब? अनफॉर्चुनेटली हमारी शादी नहीं हो सकी। अनफॉर्चुनेटली। फिर तो वो राज अभी तक मैंने अपने मन में दबा के रखा था, वो पोल मैं आज खोल रहा हूँ। और उस पोल के अंदर भी एक पोल है। अरे बाप रे। अच्छा जी वो क्या है जी? पोल ऐसा है कि अभी भी अभी भी एक्चुअली क्या है कि अभी भी कभी कभी एज ए फ्रेंड बात हो जाती है। कभी कभी। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते श्रीवास्तव साहब। तो आपको पहली बार पता चला है? घर में बताऊंगी जाके। कपिल जी बताइए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? क्या सलूक? मैं तो कहता हूँ ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, बल्कि अपने वाले बारे में भी बता दिया जाए। देखिए ये उनकी ईमानदारी देखिए श्रीवास्तव साहब की।
उन्होंने ईमानदारी से बता दिया। अरे कितने सालों बाद अब ईमानदारी। ये देखो, ये तुड़वाती लोगों के घर। देखो मैं आपके साथ श्रीवास्तव साहब, मैं भी दो तीन कन्फेशन करना चाहता हूँ। अभी कर, कैमरे के सामने कर, अभी कर। मैंने कहा था ना घर तुड़वाती है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव साहब अपना किस्सा शेयर करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छा मैंने भी एक कन्फेस करना है। अरे वाह वाह। मम्मी हम जब बी ब्लॉक में रहते थे याद है, तो मसाले वाले डिब्बों में छेद हो गए थे ना, मैंने किए थे। क्यों? अरे वो बर्फ काटने वाला सुआ नहीं होता, पता नहीं दोपहर था, मैं बोर हो रहा था गर्मियों की छुट्टियां, तो मैंने गर्म करके ना सारे मसाले वाले डिब्बों में ना पता नहीं क्या क्रिएटिविटी आई, मैं सब में छेद हो गए और ढक्कन नहीं खोलना पड़ेगा, मैं यहीं से है। थैंक यू सो मच इतने मजेदार किस्से सुनाने के लिए। नेहा आप तीनों भाई बहनों के बारे में कुछ अफवाहें हैं, हम नहीं यकीन करते, हम सामने से पूछते हैं। oh. तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना है कि सही है या गलत है। okay. हाँ जी। तो नेहा एक अफवाह ये है कि आप बड़े होके कोर्ट में जज बनना चाहती थी। तो वहां पढ़ना बहुत पड़ता था इसलिए आप इंडियन आइडल में जज बन गई। ये अफवाह है कि सही है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा नेहा एक अफवाह और है कि चिल्ड्रंस डे के दिन आज भी पड़ोसी आपको चॉकलेट दे जाते हैं। ये सही है कि नहीं? ये सही है। So sweet. टोनी एक अफवाह ये कि आप सोनू और नेहा के साथ जागरण में कोरस गाने जाते थे। हाँ जी। और कोरस वोरस कोई नहीं गाते थे, सो जाते थे, तो सुबह बिना काम के पेमेंट ले लेते थे। ये अफवाह है कि सही है? सर मैं सो जाता था, अब बच्चा है, बच्चा तो सोएगा, तो मैं सो जाता था रात को। सोनू एक अफवाह ये कि आप किसी भी लोटे को हाथ लगाने से पहले कान को हाथ लगाती हैं, क्योंकि आप अनूप जलोटा को अपना गुरु मानती हैं। ओह, ये अफवाह है कि सही है? अफवाह, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। हालांकि अनूप जलोटा जी इज तो बहुत ही इज एन अमेजिंग सिंगर ऑफ कोर्स, लेकिन ये अफवाह है। ये अफवाह है। नेहा एक अफवाह है कि अपनी हाइट का फायदा उठा के सालों तक आप हाफ टिकट लेके सफर करती हैं। ये अफवाह कि सच है? बता दो। हाइट का मैंने फायदा वैसे बहुत ज्यादा ही उठाया है, तो एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजों से फायदा उठाया है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आई थी। ओके। टोनी एक अफवाह ये कि एक बार आप किसी खूबसूरत लड़की का सपना देख रहे थे और सोते सोते आपका हाथ बिजली की तार पे लगा, इसी से इंस्पायर होकर आपने गाना बनाया जवानी तेरी बिजली की तार। ये बात सही है? सर मुझे ये लगता है कि लड़कियां होती इतनी खूबसूरत हैं तो तारीफ तो किसी भी तरह की हो तारीफ कर देनी चाहिए। कई बार आप यू नो मिले हो तुम कह के कह देते हो कभी बिजली की तार, तो जैसा मूड हो वैसे तारीफ कर देनी चाहिए। तो ये इस समय कौन सा मूड था कि जवानी तेरी बिजली की तार? कक्कड़ साहब लड़का हाथ से निकलता जा रहा है आपका, चेक कर लो, बिजली की तारें चेक कर रहा है आपका लड़का। ओके नेहा एक अफवाह ये, ये बड़ी मजेदार अफवाह है। अफवाह ये कि आपको हील्स इतनी पसंद है कि फ्यूचर में भी आप हील स्टेशन में बसना चाहते। अच्छा अफवाह जो मेन अफवाह ये है कि आपका शू साइज जो है वो 5 नंबर है और उसको बांट के ढाई ढाई करके दोनों पैरों में डालती है। वैसे मेरा US साइज जो है वो 2.5 ही है। What? मेरा US साइज बताओ क्या है? हाँ 11। कितना अच्छा लगेगा ना मैम और मेरा पैर साथ में। तो अफवाह काफी हद तक सही है। आचरी के आसपास। सोनू एक अफवाह ये है कि आप सिग्नल पे लाल बत्ती पे नहीं हरी बत्ती पे भी रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप हरिहरन साहब को बहुत इज्जत देती हैं। नहीं वो तो देती हूँ। हाँ तो मतलब हरिहरन साहब को चाहे आधी सही बहुत इज्जत देती हूँ। हरिहरन साहब आई लव, हरिहरन साहब आई लव, आई लव, यस। तो ये मैं मान लेती हूँ। तो ये अफवाह इसी के साथ खत्म होती है। हमारी अफवाह सही थी। कैसे? बहुत अच्छे, आपको देख के तो और अच्छे हो गए। थैंक यू थैंक यू। कप्पू आज गेस्ट लोग नहीं आए क्या? ये सामने तो हैं गेस्ट लोग। अरे गेस्ट क्या, घर के लोग हैं ये लोग। रे हम सब सोनी फैमिली से। हाँ। आपका शो देखती मैं इंडियन आइडल। हाँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस आपको ही नहीं सबको बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं। तेरे को मालूम है इंडियन आइडल की अर्चना पूरन सिंह गई? कैसे? ये यहाँ पे किसी भी बात पे हंस हंस के पैसे कमा रही है, ये वहाँ पे किसी भी बात पे रो रो के पैसे कमा रही है। अब बैठो 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 बैठो। आइए आइए कप्पू इधर आ, बदला लेने का टाइम आ गया कप्पू। तू कभी कभी भूल जाती है, तू लड़की है, ये क्या होता है कप्पू? ऐसी छू मैं
ऐसी छू मैं, कप्पू बदला लेने का टाइम आ गया ले कप्पू। कौन सा बदला? तू भूल गया क्या, 10:45 तक इनका शो चलता रहता है इंडियन आइडल। हाँ। हम लोग वेट करते रहते, हम लोग कब आएंगे, हम लोग कब आएंगे। लोग गाने गाते रहते, गाने गाते रहते। मैं तो बोलती है नेहा कक्कड़ को आज किडनैप कर लेते हैं। टेंशन ही खलास, 8 से 12 बजे तक सिर्फ हम लोग आएंगे, डबल पैसा, क्या बोलता है? अच्छा मेरे को आपको पूछने का था। हाँ जी। आपका शो 8 से 10:45 तक आता है ना? हाँ। तो पेट नहीं भरा क्या आपका? अब 10:45 बजे तक भी आप इसको आने का है क्या? नहीं नहीं, मैं सच्ची बोलती, आपको एक सजेशन दूं क्या? हाँ दो ना। आज सोनी टीवी का एक नया शो चालू हो रहा है, तारा फ्रॉम सतारा। हाँ, उसका भी टाइम खाओ ना थोड़ा सा। सपना ऐसी बातें नहीं करते, मेहमान है वो हमारे। हाँ मेरे को मालूम है, सोनी टीवी पे चंद हफ्तों के मेहमान है। आप ऐसे टेंशन नहीं लेने का। देखो कहना हम लोग से बना के रखो। अच्छा। आपको मालूम है हमारा शो जो है ना पूरे साल आता है। I know. ना आपका शो तो सरसों के साग है। 3-4 महीने आते ही चला जाता है। हम लोग मौसमी फल है, हर मौसम में आते हैं। और बाकी चैनल वालों का कोई टेंशन नहीं लेने का, चैनल वाले बहुत शाने रहती है। सब बैठे ना पीछे कंट्रोल रूम में, सुन लो सोनी टीवी वाले। बच्चे लोग के साथ शो बनाए सुपरस्टार सिंगर। हाँ। जब वो बच्चे बड़े हो गए उनको इंडियन आइडल में डाल। हाँ। और फिर बाद में जब वो चैनल के इशारों पे नाचने लगते हैं उनको सुपर डांसर में डाल देते। अब बच्चा क्या, बुड्ढों के साथ भी शो बना लो तुम लोग। खैर बुड्ढे से मुझे याद है अर्चना जी। आपको नहीं बोले? आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने बुजुर्ग लोग हैं ना, अगर किसी को डांसिंग का शौक होगा तो बता देना। हाँ वो आपका सुपरस्टार सिंगर वो। हाँ बस अब मैं फंस गई हूँ, आपको चलाएंगे। खैर जो भी है सब मेरा गुस्सा निकल गया। आज सच्ची में तीनों सुपरस्टार है ले। कितनी बड़ी बात है, 3 सुपरस्टार पैदा के लिए आप लोग इतने टैलेंटेड, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। कितना अच्छा है, ये भी कक्कर, आप भी कक्कर, आप भी कक्कर, तो? 3-3 कक्कर है ना, तो एक कक्कर दो ना मेरे को। तू तो सबसे 1 करोड़ मांगती थी। तेरे को मालूम है आज की डेट में एक एक कक्कर 1-1 करोड़ के बराबर है। आप लोग सब लोग साथ में बाहर जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोग के कक्कर आपस में नहीं टकराते, कैसा प्रॉब्लम नहीं रहता? लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ। एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं। क्या? इतने स्वीट है ना सब लोग। हाँ, ये तो है। स्टार बनने के बाद ना लोग अक्कड़ के साथ रहते हैं, ये पहले जो कक्कड़ के साथ रहते। सच्ची में मेरे को ना आप लोग का सुर नेम बहुत अच्छा लगा। मेरे सर नेम होता है नहीं, सिंगर लोग ना, सिंगर लोग का इनका सुर ही लगता है। लेकिन मैं नेहा आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये बड़ी झूठी है, कल शाम को मेरे को बोली थी तो सुनीति चौहान की फैन है। हाँ तो ये मुंबई है, यहाँ शाम को कोई और सरकार बन रही होती है सुबह तक बदल जाती है। छा गई, अब तेरे को पकड़ेंगे। ये सब मेरे से ये इच बुलवाता है, इसको पकड़ लो, मेरे को नहीं। He's so good यार। हाँ। और मैंने तो सिर्फ फैन बदला, ये तो हर हफ्ते गेस्ट भी बदलता है अपना। इसीलिए दोहरी मानसिकता का विरोध करती है, मैं मोर्चा निकालेगी इसके खिलाफ नाला छपारा में। अर्चना जी आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करो। हाँ? आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करेगी, मिलजुल के सरकार बनाएंगे, ऐसे ही चल रहा है आजकल। खैर और भी 2 कक्कर बैठे ले हैं। अच्छा इनसे भी बात करेगी। कैसे आप सोनू जी? मैं ठीक हूँ। आपकी मैं बहुत फैन है मैं आपकी, लेकिन आपकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरे को। क्या हो गया? मेरे घर में गोल्ड मेडल नहीं आया। कैसे? मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना। हाँ। वो रेसर थे। हाँ। अच्छा तो वो भागने के लिए कॉम्पिटिशन में भाग रहे थे ना, जैसे शुरू हुआ उधर गाना बजा, बाबू जी जरा धीरे चलो। तो वो तो धीरे धीरे चलने लग गए, गोल्ड मेडल निकल गया। खैर चलो वो तो धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन नेहा कक्कर आजकल बहुत फास्ट चल रही है। जोरदार मस्त, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, बहुत मस्त कर रहे हैं आप।
इतना रिमिक्स भी गाना गाते, आवाज बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू सपना। हाँ तो मेरे को एक बात पूछने का था, इतना सब पैसा कमा लिया आपने, इतना रोती क्यों है आप? एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, तो बस हो जाता अपने आप हो जाता। और कैसे टोनी? बढ़िया। आप अकेले, आपके साथ बोनी नहीं आए? टोनी आए, बोनी क्यों आएंगे? क्योंकि टोनी आए इसलिए बोनी भी आएंगे। तो वो तो इनके भाई हैं। हाँ तो वो भी तो अनिल कपूर के भाई है। तो अनिल कपूर बीच में कहाँ से आ गए? अच्छा नेहा कक्कड़ आई तो अनिल कपूर को भूल गया तू? वाह तेरा ऐसा ही है, सिद्धू जी आएंगे ना आपको भी भूल जाएगा ये। इसी दोहरी मानसिकता का विरोध करती है मैं इसका, तेरे खिलाफ मोर्चा निकालेगी नाला सुपारा में। और इतना स्वीट बन के बैठे ले ना इधर ऐसे, ये मेरे को रात को 12-12 बजे फोन करते है मालूम है? हाँ सच्ची में। क्या बोलता है? तू तो 6 बजे तक करता है सुबह सुबह। इसको समझा दे अब मैं कोका कोला नहीं रही, अब मैं मुकेश की शिकंजी बन चुकी हूँ। मेरा छावा है मुकेश नाला सुपर में। मुकेश को छोड़ क्यों नहीं देती तू? टोनी इतना हैंडसम है, देख कमाता भी है। मुकेश क्या कमाता है? हाँ ये तो सिंगर, मैं भी सिंगर है मालूम है। अच्छा, मैं भी इंडियन आइडल में गई थी, पहले नंबर पे आई मैं बाहर। बाहर मेरे को निकाल डाला। अच्छा सुनो ना, भाभी बनोगी क्या? अरे क्यों नहीं। क्या है हमारे यहाँ सब छोटी छोटी, एक बड़ी भाभी मिल जाए तो अच्छा। अरे कितना अच्छा लगेंगे ना हम लोग साथ में, देखो कितनी अच्छी जोड़ी है। बहुत सुंदर। पर तुझे पता है नेहा, ये ऐसी भाभी है, रात को सो रही होगी ना, सुबह उठेगी भाभी बिगड़ी पड़ी होगी। फिर अब मैं धंधे पे आती, मेरा काम है ना। हाँ मेरा मसाज पार्लर है इधर। यस वी नो, सबको अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं हम लोग। अपने गाना गाया था ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो हमारे पास अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, जितने कस्टमर रहते हैं ना इनको बम्बे बुला लेते हैं, फिर इनको पकड़ के इनके बक्कड़ पे तेल लगाते हैं। और बक्कड़ पे तब तक तेल लगाते रहते हैं, तब तक तेल लगाते रहते हैं जब तक उसका बक्कड़ अक्कड़ नहीं जाता। गुड गॉड। फिर जैसे उसका बक्कड़ अकड़ते है ना, तो कस्टमर बोलते है क्या है, हम बोलते बो बो, ऐसा रहता है हम लोग। ओह माय गॉड। एक अफवाह है, पुराना कार्ड आ गया। अच्छा आप लोग सिंगर लोग है ना, तो सिंगर लोग का घराना रहता है ना, तो हमारे पास घराना मसाज है। ओह वाओ, इसमें क्या होता है? इसमें घराना तो बताएगी मैं तेरे को। फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मसाज है, गौर से सुनने वाला, इंडियन आइडल मसाज। उसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर का 8 से 9:30 बजे तक का अपॉइंटमेंट लेते हैं। अच्छा। लेकिन मसाज हम लोग 10 बजे तक करते हैं। फिर जो वो आधा घंटा जो एक्स्ट्रा करते हैं ना हम लोग, दूसरे शो का तेल निकल जाता है। फिर वही तेल से हम चैनल वालों का मसाज करते हैं। ऐसा रे। मेरे को भी पता है एक मसाज आपके पास है। हाँ एक मैं जानने वाली है सपना, उनकी भी एक मसाज होती है। कौन सी? अच्छा उस मसाज का नाम ही सपना है। सपना मसाज है? हाँ, पूछो कैसे, क्या होता है उसमें? उसमें ये होता है कि आपको जिस तरह की भी मसाज चाहिए वो सपने में आती है। अच्छा जो चाहिए वो मिल जाता है सपने में। वाह वाह। चलो मेरे को ना अर्जेंटली जाना था वो म्यूजिक। कहाँ जा रही हूँ सपना? अरे वो म्यूजिक डायरेक्टर ना शंकर ऐसा है ना, उनका प्रॉब्लम हो गया मालूम है क्या? वो अपने घर पे गए ना, तो ऐसा जी की वाइफ ने बोला लॉयर को साथ में क्यों नहीं लाए? तो शंकर जी बोले एंजॉय के चक्कर में लॉयर रह गया। और लॉयर तो इधर एंजॉय कर रहे थे ना, तो लॉयर को छोड़ने जाना है तो मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। एक बार नेहा, सोनू और टोनी के लिए जोरदार तालियां। आइए मंच पे आइए।
नेहा, सोनू, टोनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत मजा आप लोगों के साथ. पता है भैया कब शो खत्म हो गया मैम? पता ही नहीं चला. इतना एंटरटेनिंग है तो कपिल शर्मा शो. थैंक यू नेहा. And once again, thank you so much for coming. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good night. Shabba khair. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.